आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। यूपी के 7 जिलों में खुलेंगे 10 नए थाने, बरेली और अमेठी समेत 5 जिलों में बनेगी 11 पुलिस चौकियां। सीएम योगी ने दिए निर्देश। सड़क पर लड़कियों का डांस और बोनट पर केक। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रात पे हुड़दंग, सात समंदर पार गाने पर जमकर झूमी। दहेज में कार नहीं मिला तो मैनेजर नहीं लाया बारात। झांसी में हो रही थी लव मैरिज, सगाई के बाद बढ़ चुके थे निमंत्रण कार्ड। अब लग्जरी दिखेंगे यूपी रोडवेज की बसें, एयरपोर्ट की तरह हाईटेक होगा बस अड्डा। ट्रेनों की तरह हर डिपो पर होगी सफाई। क्राइम पेट्रोल देकर करता था लूट की प्लानिंग, मेरठ में केरल के दंपति से ठगी करने वाले स्मार्ट ठग की कहानी। वाराणसी में दोस्त ने की किशोर की हत्या, ननिहाल में रहता था, क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ था विवाद। बिजनौर में सड़क हादसे में मासूम समेत 3 की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल। अयोध्या में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, रुदौली से बारात में शामिल होकर कार से लौट रहे थे, गाड़ी गड्ढे में पलटने से गई जान। मेरठ में बदमाशों से भिड़ी छात्रा, 6 घंटे ही मेरठ पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर, दोनों को लगी गोली। घटवासन वार्ड का नंबर बदला, हालात नहीं वार्ड 44 की पहचान, टूटी नाली, उखड़े खरंजे और गलियों में अंधेरा, लोग त्रस्त। जौनपुर में आगजनी, कार और बाइक धू धू कर जली, लाखों का नुकसान, आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। विकास कार्यों की जांच हो जाए तो जेल जाएंगे जिम्मेदार, वार्ड की बात भास्कर के साथ कार्यक्रम में बोले नागरिक। महाराजगंज में सड़क हादसे में 2 की मौत, 3 घायल, 2 बाइक आमने सामने टक्कर से हुआ हादसा, घायलों की हालत गंभीर। फतेहपुर में युवती से युवक ने किया दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर तमंचा की बड़ से मारपीट किया, घायल, पुलिस बोली पुराने रंजिश का मामला। झांसी जेल की महिला बंदी ने दिया बेटी को जन्म, पति की हत्या में 8 माह से जेल में बंद है, 1 बेटी पहले भी है। बीएचयू दीक्षांत में पगड़ी चुन्नी का संकट, छात्र बोले 60% लोगों को नहीं मिला साफा, उतारिया आज टी शर्ट में ही लेंगे उपाधि। आगरा में बकाए के नाम पर टोरेंट ने काटा समरसेबल का कनेक्शन, स्थानीय लोगों ने विधायक का किया घेराव, विधायक ने जताया विरोध। शामली में प्रधानाचार्य ने की छात्र की डंडों से पिटाई, फील्ड में बैठने पर नाराज था टीचर, स्टूडेंट ने टीचर के खिलाफ दी थाने में तहरीर। मिर्जापुर में यूट्यूब देकर की थी प्रेमिका की हत्या, हत्यारोपी का कबूलनामा, गला दबाकर फिर ब्लेड से काटा ताकि जिंदा न बचे। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण, 8 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
अंबेडकर नगर में हथियारों से लैस बदमाशों ने मचाया तांडव। बुजुर्ग की पिटाई के बाद दहशत फैलाने के लिए की हवाई फायरिंग, देर से पहुंची पुलिस। अखिलेश और डिंपल पहुंचे किशनी, कार्यकर्ताओं और वोटरों का जताया आभार। डिंपल को विरासत संभालने के लिए जनता ने दी ऐतिहासिक जीत। उन्नाव में फंदे पर लटकता मिला युवक का शव, पत्नी पुलिस विभाग में आरक्षी और दो बच्चों के साथ लखनऊ में रहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वाराणसी में चलाई साइकिल, बोली घर के आसपास जाना हो तो साइकिल से ही जाएं, यह पॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन। बागमन में खेकड़ा कोतवाली प्रभारी और एक सिपाही लाइन हाजिर, कोतवाली से दुष्कर्म के आरोपी फरार होने को एसपी ने माना पुलिस की लापरवाही। सपा में टिकट के लिए चुकाने होंगे 20,000 रुपए, पार्षद और मेयर प्रत्याशियों को समाजवादी बुलेटिन की आजीवन सदस्यता लेनी अनिवार्य। लखीमपुर खीरी कांड के गवाह के भाई पर हमला, प्रभुजोत सिंह बोला मंत्री टेनी के बेटे आशीष इशारे पर हुआ 16 तारीख से है ट्रायल। मथुरा में मोबाइल फटने से झुलसा मासूम, मोबाइल पर गेम खेलने के दौरान हुआ हादसा, हाथ और मुंह में लगी चोट। आजमगढ़ में देर रात 4 पुलिसकर्मियों के तबादले, निजामाबाद में चोरी की घटनाओं को न रोक पाने पर हटाए गए इंस्पेक्टर। ललितपुर में प्रेमी का माता टीला बांध में शव मिला, 4 दिन पहले प्रेमी प्रेमिका ने लगाई थी छलांग, प्रेमिका का अभी तक नहीं मिला सुराग। अलीगढ़ में कसवा टप्पल की नगर पंचायत का दर्जा छीनने के बाद हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मी हुए लाबंद, मोर्चा खोलने को तैयार। औरैया में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, प्रेमी युगल की फांसी के फंदे पर झूलकर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। बिजनौर में ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार पर 2 महिला समेत 1 मासूम की मौत, 1 घायल। बुलंदशहर में भगत सिंह यूनियन व भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विद्याश्रम में तीर्थ पुरोहित शनि ने संभाली अलाव की व्यवस्था, समाज सेवा के क्षेत्र को दूसरे निहारने के बजाय खुद बढ़ाए ने कदम। देवरिया में मकान के बंटवारे के विवाद को लेकर एक पक्ष ने दिया धरना, दूसरे पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। फरुखाबाद में सांसद की अध्यक्षता में मेला श्रीराम नगरिया के आयोजन को लेकर बैठक हुई संपन्न, मिनी कुंभ को शासन में पंजीकृत कराने का दिया गया जोर। गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस एनकाउंटर में इनामिया वांछित अपराधी घायल और गिरफ्तार। गोंडा में जंगली फल जेट्रोफा खाने से 4 बच्चे हुए बीमार, सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगनजोत में इलाज जारी। हरदोई में अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत, जहानीखेड़ा से वापस घर आते वक्त हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। संबल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को लेकर 4 दिवसीय 15वें जौहर महोत्सव का शुभारंभ, युवाओं को नशे से दूर रहने का दिलाया गया संकल्प।
कानपुर में एक कारोबारी पीयूष जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें, चुकाना होगा 496 करोड़ रुपए का टैक्स, डीजीजीआई ने थमाया नोटिस। कासगंज में एएसपी जितेंद्र कुमार दुबे की अध्यक्षता में थाना दिवस किया गया आयोजित, निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। संभल में अवैध भट्टे माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, खनन अधिकारी ने अवैध भट्टों की चिमनी तोड़ने के लिए निर्देश दिए। रायबरेली में बर्थडे केक तलवार से काटने का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी, मामला सरेनी थाना क्षेत्र के गजपति खेड़ा गांव का है। प्रयागराज में माघ मेला को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू, मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा ने की बैठक। संभल में दबंग मेडिकल स्टोर स्वामी ने किया मारपीट, मारपीट में तीन लोग घायल, मारपीट की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर में लापता पुलिस इंस्पेक्टर निशु तोमर पर 25,000 का इनाम घोषित, लगे पोस्टर। औरैया में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, चोरों ने महिला को घर में बंद करके घर में रखे गहने व 50,000 नकदी को किया पार। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, मेडिकल कॉन्क्लेव में हुए शामिल, प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर निकाय चुनाव में दिया जीत का मंत्र। गोंडा में धान खरीद केंद्र से गायब हुआ धान, डिप्टी आरएमओ प्रज्ञा मिश्रा ने दर्ज कराया एफआईआर, जिले के 18 केंद्र प्रभारियों को नोटिस। गोरखनाथ मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार, लगभग 400 फरियादियों ने शिकायत पत्र देकर सीएम के सामने रखी अपनी समस्याएं। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी मामले में चार्जशीट दाखिल, जेल में पूछताछ की तैयारी हो सकती। लखनऊ में डला बड़ा हादसा, परिवहन निगम की चलती बस में लगी आग, कानपुर से लखनऊ आ रही थी बस, बस में सवार थे 4 दर्जन से अधिक यात्री। लखीमपुर खीरी में शारदा नगर मार्ग पर हुआ भीषण हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, एक की मौत। लखनऊ में शहीद पथ पर भी चलेगी इलेक्ट्रिक बसें, कल से शुरू होगा संचालन, इलेक्ट्रिक बसें अवध स्टेशन कमता से चलेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया सपा और भाजपा पर लगाए मिलीभगत का आरोप, बोली यह हार जीत सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत। रायबरेली में बीते माह में दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल वृद्ध की मौत, मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मायावती के ट्वीट पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार, बोले मिली भगत होती तो खतौली मैनपुरी नहीं हारती। रायबरेली और व्यापारियों में पुलिस में हुई झड़प, डलमऊ थाने में तैनात मानसिंह यादव और दरोगा का व्यापारियों के साथ गुंडई, वीडियो हुआ वायरल। उपचुनाव के नतीजों के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे शिवपाल यादव, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रायबरेली में स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वत का खुला खेल, प्रसव के नाम पर 5,000 रुपए की कर रहे मांग, नर्स नेहा के पति पर पिटाई का आरोप।
अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता मिला अधेड़ का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच में जुटी। चंदौली में नेशनल हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, मालवाहक वाहन का टायर फटने से आधा दर्जन दूधिए हुए घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली पुलिस ने कब्र से निकाला मासूम का शव। उत्तराखंड में हुई थी बच्चे की मौत, परिवार ने डीएम बरेली से कहा बच्चे की हत्या की गई। चित्रकूट में 42 लोगों को मिला प्रशिक्षण, आयुर्वेदिक औषधियों की पैकेजिंग और मार्केटिंग पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। अमरोहा में मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग, दबंग ने मजदूरों को बनाया निशाना, निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे, लेबर पुलिस से शिकायत की। बहराइच डीएम का कड़ा रुख, 2 तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदारों को मिली प्रतिकूल, 4 तहसीलों के एसडीएम व तहसीलदारों से स्पष्टीकरण। बागपत में खनन माफिया करा रहे हैं अवैध खनन, जेसीबी और पोकलेन मशीन से हो रही मिट्टी की खुदाई, अधिकारियों ने साधी चप्पी। उन्नाव में बिजली कर्मियों ने डोर टू डोर चलाया अभियान, 49 बकायेदारों के काटे कनेक्शन, 6.5 लाख बकाया वसूला। गाजियाबाद में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग, फायर फाइटर्स ने काउंटर में रखा लाखों का कैश, बचाए, बुझाने में 1 घंटे लगे। संबल में युवक ने रची खुद के अपहरण की साजिश, दूध प्लांट के मैनेजर को फंसाने के लिए भाई से लिखाई गुमशुदी की रिपोर्ट। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को 70 मीटर घसीटा, बरेली में लाल फाटक के पास हुआ हादसा, चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। गड्ढे में गिरी बाइक, युवक की मौत, 8 दिन पहले हुई थी शादी, 2 दिन पहले पत्नी गई थी मायके, मिलकर लौटते वक्त हुआ हादसा। इटावा में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रक भिड़े, पीछे से आ रहे बाइक सवार बुजुर्ग, गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से लड़े, मौत। पचहत्तर जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।